विवाह विवाद में युवक की हत्या के बाद महपालवास में आक्रोश। महपालवास के गांव में युवक की हत्या, परिजनों और ग्रामीणों का धरना समाप्त। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के महपालवास गांव में मंगलवार रात प्रेम विवाह से नाराज साले ने अपने जीजा अंकित उर्फ अमित की तलवार और गोली से हत्या कर दी। इस घटना के बाद बुधवार को मामले ने तूल पकड़ लिया। युवक की हत्या के घंटों बीत जाने के बाद पोस्टमार्टम में हो रही देरी से ग्रामीण और परिजनों में आक्रोश फैल गया। जिप सदस्य रणवीर नाड़ा, पंचायत समिति सदस्य सोमवीर लांबा और अन्य नेताओं ने सूरजगढ़ थाने पर पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। तहसीलदार चंद्रशेखर यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 3 घंटे बाद धरना समाप्त हो गया। करीब 21 घंटे बाद मृतक अमित उर्फ अंकित का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर संदीप एचरा, डॉक्टर नेतपाल और डॉक्टर नरेश कुमार ने किया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रेम विवाह की रंजिश को लेकर इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। सोमवीर लांबा, पंचायत समिति सदस्य सूरजगढ़ ने कहा कि हम पुलिस से न्याय की उम्मीद करते हैं और इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 8 बजे ग्राम मापड़वास में एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। उस डेड बॉडी को यहां पर CHC मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद में हम सुबह से ग्रामीण और जनप्रतिनिधि 7 बजे से यहाँ से बैठे हैं, जिसमें पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर जो संजय है, फॉरेंसिक डॉक्टर है, वो झुंझुनू से 10 बजे से आने में उसको कम से कम 4 घंटे लग गए। सभी ग्रामीणों का एक ही ये मांग की जाती है प्रशासन से कि जो डॉक्टर की लापरवाही है उसको निलंबित किया जाए तुरंत प्रभाव से, जिसके बाद में इस मृतक का दाह संस्कार किया जाए। यह था सूरजगढ़ के महपालवास गांव में प्रेम विवाह विवाद में हुई हत्या पर हमारा विशेष कार्यक्रम, विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।